नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट पर आप सभी का स्वागत है। गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाले भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। टोक्यो ओलंपिक के बाद अब एथलीट ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। फिनलैंड के कुअर्तने गेम्स में काफी मुश्किल परिस्थितियों के बीच नीरज चोपड़ा ने यह मेडल हासिल किया। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब बारिश की वजह से फील्ड पर भरे पानी के कारण नीरज फिसल भी गए थे। बावजूद इसके अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए एथलीट ने 86.89 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल में जीत हासिल की है। इस शानदार जीत के साथ ही नीरज इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले भी नीरज चोपड़ा ने साल 2017 और 2018 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। उस दौरान नीरज लगातार सातवें और चौथे स्थान पर रहे थे। हालांकि इस बार उनकी तैयारी पहले से बेहतर थी, जिसका फायदा उन्हें डायमंड लीग में मिला और ट्रॉफी जीतकर उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि वही उसके हकदार हैं। यूरोप में हुए डायमंड लीग फाइनल में नीरज की शुरुआत का प्रदर्शन खराब जरूर रहा। नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा, जबकि दूसरे प्रयास में नीरज ने 88.44 मीटर दूर ही भाला थ्रो करके अपने विरोधियों को पछाड़ा। वहीं तीसरे प्रयास में नीरज ने 88.00 मीटर और चौथे प्रयास में 86.11 मीटर दूरी पर भाला फेंका। इसके बाद पांचवें में 87 मीटर और छठे प्रयास में नीरज ने अपना भाला 83.60 मीटर की दूरी पर फेंका। नीरज जहां पर इस मुकाबले में पहले नंबर पर रहे, तो वहीं 86.94 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ चेक गणराज्य के जैकब वॉडलेच दूसरे और 83.73 मीटर के थ्रो के साथ जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे नंबर पर रहे। इस साल जुलाई महीने में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के थ्रो से एथलीट नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक रजत पदक हासिल किया था। उसी मुकाबले के दौरान नीरज की ग्रोइन इंजरी हुई थी, जिसके बाद मेडिकल टीम ने नीरज चोपड़ा को 4 से 5 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा था। डॉक्टरों की सलाह के बाद ही नीरज ने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हटने का फैसला लिया था, लेकिन इंजरी से उभरने के बाद अब नीरज ने जो कमबैक किया है वो काबिले तारीफ है। इस खबर में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भारत के लिए नीरज ने जो कामयाबी हासिल की है उस पर आपका क्या कहना है ये भी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।